हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन अभ्यास के ये तृतीय सत्र में आपका स्वागत है। इससे पहले के दो सत्रों में हम इस तरह से 3 और 3 6 प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। हमारी पद्धति आपको पता है कि हमने एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें जो भी बेहतरीन उत्तर आते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, एक प्रश्न के एक एक दोनों माध्यम के उत्तर आपके साथ हम साझा करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान महामारी के समय में ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, पुष्टि करें। अब देखिए, इन्होंने भूमिका अच्छी लिखी है। क्या लिखा है? कोरोना महामारी ने जहां लोगों से दूर करके अलग रहने को मजबूर कर दिया, वहीं इसने यह भी सिखाया कि दूर रहकर भी एक दूसरे की मदद करके हम मानवता का धर्म निभा सकते हैं। इसी संदर्भ में भारत के एनजीओ ने कोविड-19 महामारी काल में भी समाज के अंतिम छोर के मदद करने में काफ़ी प्रखर भूमिका निभाई है। अब इसके बाद क्या किया? इन्होंने एनजीओ को प्रभाषित किया। एनजीओ एक ऐसी गैर लाभकारी संस्था होती है जो सरकार से पृथक स्वयं समाज कल्याण के लिए कार्य करती है। अब इसकी दो स्टैंडर्ड परिभाषाएं इन्होंने कोट की है, एक विश्व बैंक के द्वारा दी गई परिभाषा इन्होंने कोट की है, तो ये कोई परिभाषा कोट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से विश्व बैंक ने जो परिभाषा दी है उसे आप कोट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोगों का दुख दर्द दूर करने, गरीबों के हितों का संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, लोगों के सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने तथा सामुदायिक विकास के लिए कार्य करता है, इसे एनजीओ कहा जाता है। अब भारत में काम करने वाले प्रमुख एनजीओ को इन्होंने एक माइंड मैप के जरिए दर्शाने की कोशिश की है, जैसे अस्माइल फाउंडेशन हो गया, बचपन बचाओ का भी आप जिक्र कर सकते हैं, इसमें बीइंग ह्यूमन, इन्होंने मतलब जो जिक्र किया इस तरीके से आपको जो उचित लगता है, जिन एनजीओ को आप पसंद करते हैं, उनके कार्यों को आप पसंद करते हैं, उनका आप उल्लेख कर सकते हैं। अब इन्होंने एनजीओ के द्वारा जो कार्य किए गए हैं कोविड-19 में, उसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। लोगों तक सैनिटाइजर पहुंचाना, महिलाओं के द्वारा मास्क तैयार कराना, गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानियों को दूर करना कोविड के समय में, इस तरीके से इन्होंने अन्य एनजीओ जो बिहार में कार्यरत हैं उनका उल्लेख किया है। इसके बाद इन एनजीओ के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। तो पहले तो इन्होंने बिहार के विशेष संदर्भ में क्या किया है, इन एनजीओ ने एक फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शा दिया है कि लोगों को जो जागरूकता है टीकाकरण के प्रति वो काफ़ी कम है, उसे बढ़ाने में सहयोग किया, बीमार व्यक्तियों को हॉस्पिटल तक पहुँचाने में एम्बुलेंस की सुविधा प्रोवाइड कराई, ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति में मदद करना, यहाँ आप हनुमान जैसे एनजीओ का उल्लेख कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन कुछ तक टफ कर दिए हैं एनजीओ के फंडिंग को लेकर, वित्त की समस्या है और संरचना का अभाव है, प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स की कमी है जो कि सोशल वर्क के लिए आगे आए, कभी कभी राजनीतिक लाभ के लिए भी एनजीओ का दुरुपयोग किया जाता है, सरकारी कानूनों की जटिलता है, यानी इन चीज़ों का आप उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद कोरोना काल में भी इन्होंने आगे बढ़कर लोगों की सहायता में काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके बाद एक इंग्लिश मीडियम का इसी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इन्होंने एनजीओ को डिफाइन किया सबसे पहले, इसके बाद फ्लो चार्ट के माध्यम से रोल ऑफ एनजीओ बताया कि एनजीओ किस तरीके से किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कोविड काल में इन्होंने क्या किया, प्रोवाइडिंग नेसेसरी मेडिकल इक्विपमेंट्स,
क्या क्या भाई? ऑक्सीजन सिलेंडर्स उपलब्ध कराया, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए, माइग्रेंट्स लेबर को भोजन उपलब्ध कराया, इंश्योर द मील फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन किट्स। आप देख सकते हैं इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज फॉर्म में इसको दर्शाने की कोशिश की है रोल को। इसके बाद इन्होंने भारत में कार्य कर रहे विभिन्न एनजीओ के नाम का उल्लेख करते हुए किस क्षेत्र में कार्य करते हैं ये बताया है। इससे खाना हो गया, एक खाना चाहिए भी एनजीओ चल रहा है जिसको आप फ़ोन करके खाना मंगा सकते हैं, सबीना फाउंडेशन, फूड फाउंडेशन। अब एनजीओ के सामने चैलेंजेस को भी इन्होंने एक माइंड मैप के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। चैलेंजेस सेम है जो आपने हिंदी मीडियम में देखे थे कि सम अनसोशल एलिमेंट्स इसमें शामिल हो जाते हैं कभी कभी, ट्रेंड वॉलंटियर्स की कमी है, स्कार्सिटी है, सम स्टेट्स में एनजीओ को लेकर गवर्नमेंट की पॉलिसी काफ़ी टफ है, कहीं कहीं एनजीओ और सरकारी तंत्र दोनों समानांतर रूप से कार्य करने लगते हैं, इसमें भी दिक्कत सामने आती है। इसके बाद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड और रूट लेवल पर कार्य करने और केवल ड्राफ्टिंग के स्तर पर कुछ एनजीओ कार्य करते हैं, ये सब इनकी कुछ समस्याएं हैं। एफसीआरए एक्ट का आप जरूर उल्लेख करेंगे कि इसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं। इन्होंने जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखा है वो उतना बेटर नहीं था, तो आप बिहार के चूंकि विशेष परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है और नहीं भी पूछा जाए तो आप वन पैराग्राफ स्मॉल पैराग्राफ जरूर ऐड करें बिहार के स्पेशल रेफरेंस में कि बिहार में एनजीओ ने कुछ एनजीओ का नाम बताएं बिहार, जैसे हनुमान ने बहुत अच्छा काम किया था ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और भी उस तरह के एनजीओ का आप उल्लेख कर सकते हैं। अगर आप भी इस फ्री के टेस्ट सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमने लिया है कि द सिस्टम ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट नेशनलिस्टिक बट इट इज इंडिविजुअलिस्टिक, एक्सप्लेन दिस फैक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहार। इस प्रश्न के उत्तर लिखते समय ज़्यादातर लोगों ने संतुलन नहीं रखा है। मैं आपको एक दो अभी क्लिप दिखलाऊंगा जिसमें उन्होंने उन चीज़ों का जिक्र किया है जिस तरीके के जिक्र करने से आपको इस तरीके के प्रश्नों में बचना है। अब इनका शुरू से उत्तर अच्छा था लेकिन मात्र इस एक पैराग्राफ ने इस पूरे उत्तर के संतुलन को बिगाड़ दिया। अब इस लाइन को आप पढ़िएगा, इसका उदाहरण रहा है कि राज्य में कोई प्रभावी विकासात्मक कार्य न करने के बावजूद लगातार लालू यादव को पार्टी को वोट देते रहना। ठीक है, अब इस तरीके के किसी भी पार्टी पे इस तरीके का आक्षेप सीधा लगाने से आप बचिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो आपका एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो किसकी किस विचारधारा का समर्थक है। तो आप एकेडमिक भाषा का प्रयोग करें ताकि किसी के सेंटिमेंट्स पे हर्ट ना हो। बहुत ज़्यादा निगेटिव उत्तर लिखने से बचे। यदि बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई खास अंतर नहीं, फिर यहाँ से इनकी लाइन लिखे, किंतु यहाँ अन्य राज्यों से अधिक अशिक्षा, यहाँ के मतदाता जातिगत धार्मिक एवं व्यक्तिगत प्रभाव से अधिक आ जाते हैं और अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा आप बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर में। अब इसी प्रश्न का उत्तर जो इन्होंने लिखा है तो आप देखेंगे कि इनकी जो इंट्रोडक्शन है वो कितना अच्छा है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इंडिया जर्नी एज नेशन वी सी लॉट ऑफ क्रिस्मेटिक इंडिविजुअल्स इन इंडियन पार्टीज लाइक नेहरू इन द इनिशियल डेज,
इसके बाद आप इंदिरा गांधी का उल्लेख कर सकते हैं, आप चाहें तो विदेश का भी उल्लेख कर सकते हैं कि जो करिश्माई व्यक्तित्व का जो असर है वो केवल भारत में ही नहीं है बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों का आप उल्लेख कर सकते हैं, श्रीलंका का आप उल्लेख कर सकते हैं, इसके बाद आप इंडोनेशिया का उल्लेख कर सकते हैं कि वहाँ भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। जितना ज़्यादा आप प्रश्न में तुलना करेंगे उतना ही उत्तर आपका बेहतर होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने इसको एग्जाम्पल की तरह स्टार्टिंग से शुरुआत करके यानी स्वतंत्रता से समय तक वर्तमान मोदी एरा तक इन्होंने लाया है। अब इसके बाद आपको चूंकि बिहार के विशेष रेफरेंस में पूछा गया है तो इन्होंने जेडीयू से नीतीश कुमार, आरजेडी, हम, लोजपा, इन पार्टियों में क्या स्थिति है, व्यक्तित्व को किस तरीके से महत्व दिया जाता है, काफी बैलेंस तरीके से इन्होंने इस उत्तर को लिखा है। तो यानी जब आपको डायनेमिक प्रश्न पूछा जाए जिसमें आपको एकदम मतलब समझ लो कि तलवार की धार पर चलनी है, आपको क्या लिखना है इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं लिखना है उत्तर में। तो इस तरीके के प्रश्नों को हल करते समय काफी सावधानी बरतें। हमारा अगला प्रश्न भी 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पॉलिटिक्स सेक्शन से है कि भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। तो भारतीय संविधान प्रस्तावना में भारतीय संविधान को मूल अध्याय इसके माध्यम से संविधान का संक्षिप्त जानकारी हमें मिलती है, नेहरू जी के जो उद्देश्य का प्रस्ताव था उसके माध्यम से इसे लाया गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें तीन पंथ जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब समाजवाद में बताएंगे कि समाजवाद क्या है, यानी कि भारतीय जो उद्देश्य का है प्रेम्बल है उसमें समाजवादी तत्व का क्या महत्व है। इसके बाद प्रोविजंस कौन कौन से हैं, 38, 39, 39 ए, 41, 42, 46, 47, इसके बारे में भी ब्रीफ आप जानकारी देते जाएंगे। इसके बाद 14 से 18 भी इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। फिर धर्मनिरपेक्ष से संबंधित कौन से प्रावधान हैं, तो 25 से 28 तक तो उल्लेख किया ही गया है, 29, 30 का भी आप जिक्र करेंगे। इसके बाद कॉमन सिविल कोड लाने की बात की गई है 44 में, लोकतांत्रिक किस तरीके से है आप 40 का उल्लेख करेंगे, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी है यानी कि बेसक मताधिकार का प्रयोग आप कर सकते हैं, गणराज क्यों है, क्योंकि भारत के जो सर्वोच्च पद है यानी कि राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत ना होकर चुनावी प्रक्रिया के द्वारा उनका चयन होता है, ब्रिटेन से आप तुलना कर सकते हैं कि वहाँ के जो राजा होते हैं जो सम्राट होता है वो वंशावली से आते हैं लेकिन भारत में ऐसा नहीं। तो इतने तथ्यों का अगर समावेश करते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है तो आपको 20 से 22 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अगली कड़ी में हम पॉलिटी के ही 3-4 और सेक्शन जो 65 में चूंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार पूछे गए थे तो भारतीय संसद संप्रभु है या नहीं है इस संबंधित में जो प्रश्न पूछा गया था और 64 के कुछ क्वेश्चन उनका हम विश्लेषण करेंगे और जो सबसे बेहतर उत्तर होगा वो आपके साथ हम साझा करेंगे। आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।